बैक टू माई चैनल, दिस इज दीपाली आर्या और आज हम बैठ के सिर्फ बातें करेंगे। सो आई जस्ट वोक अप और मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। आई शुडंट स्लीप ड्यूरिंग द डे आई गेस, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ बेसिकली। आई हैड अ होल स्क्रिप्ट प्लान फॉर टुमारोज वीडियो बट वो हो नहीं पाई बिकॉज वो बहन के साथ करनी थी और बहन बिजी थी। सो आई पुट अ पोल ऑन इंस्टाग्राम और आप सबके क्वेश्चंस आए, ऑल्दो उतने सारे क्वेश्चंस नहीं हैं अभी, बट मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। सो दिस विल बी नेवर हैव आई एवर क्वेश्चन राउंड विद अ मिनी हॉल। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू एवर ब्रिंग फोन टू स्कूल एंड गॉट कॉट बाई टीचर? या मैं फ़ोन लेके जरूर गई हूँ पर पकड़ी नहीं गई, लाइक आई हैव बीन लकी, फिंगर्स क्रॉस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर बीन कॉट बाय अ गाय व्हाइल स्टेयरिंग एट हिम? अगर किसी का ड्रेसिंग सेंस अच्छा है या किसी का कुछ यू नो यूनिक सा दिख रहा है आपको उसकी पर्सनैलिटी में, सो यू लुक एट दैट पर्सन वेदर इट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, एज एट्सेट्रा, तो कभी कभी आई कॉन्टैक्ट हो जाता है। सो या आई गॉट कॉट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेवर हैव आई एवर स्पेंट अ होल डे विदाउट ईटिंग? नहीं, विदाउट ईटिंग एनी थिंग तो कभी नहीं किया होगा, लाइक इवन ड्यूरिंग फास्ट तब मैं फ्रूट्स खा लेती थी, सो विदाउट ईटिंग एनी थिंग तो नहीं होगा, बट या विदाउट ईटिंग सॉल्टी फूड आई कैन से। नेवर हैव आई एवर क्राइड इन क्लास? सो येस, आई हैव बीन अ क्राई बेबी till 8th class. One day my mom went to a PTM on our school parents teacher meeting and वहाँ पर मेरी friend थी, उन्होंने मेरी मम्मी से literally पूछा कि आंटी दीपाली इतना रोती क्यों है, and then I felt embarrassed and शायद उसके बाद से मैंने बहुत like उसके बाद से मैं कभी rarely ही रोई होंगी class में। Never have I ever fell on mid road. Oh my god. Yes. Yes, like hell yes, cause मेरे को road cross करनी अब तक नहीं आती। That's such a big thing, guys. कितनी like I should be ashamed of it. Yes, I am. एक time था जब मैं coaching के लिए auto पकड़ रही थी, so मेरी friend was already seated and she was like okay come in and I was just going. मैं बिल्कुल like मुझे कोई होश ही नहीं है कि cars आती जाती भी, and I was crossing the lane and एक स्कूटी वाले अंकल ने ब्रेक मारा एंड देन आई फेल एंड थैंकफुली नथिंग हैपन टू एनी ऑफ अस। सो या ऑल्दो उसके बाद से ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। नेवर हैव आई एवर हिट ऑन माय बेस्ट फ्रेंड्स पार्टनर और अ पर्सन कंप्लीटली स्ट्रेंजर? नो, नेवर, आई हैव नेवर एवर डन दिस इन माय लाइफ। इन फैक्ट आई एम द मोस्ट शाय गर्ल यू वुड एवर मीट। Okay, I'm very embarrassed to say this. Never have I ever farted in public or fart, whatever it is. Yes, I have. Kiya hoga kabhi? It's natural. It's just a gas which wants freedom, so you need to let it pass. Yeah. Let's just move to the next question. Never have I ever tried Maggi curd combination. What? No. Why would I ever try Maggi curd? Never have I ever lied to my parents to go out. Once I did. I just remember ki bunk kiya tha aur pakdi bhi gayi thi, like meri life ka first bunk tha. Never have I ever bitched about my best friend. No, never. Like maine apne friends ki bitching ki hogi, apne close friends ki bitching ki hogi pehle, bahut pehle. Then Never have I ever cheated on diet. बस मैं diet करती नहीं हूँ rarely, like I've just started now. So इस बीच I've been on proper healthy diet, not boiled food or keto diet, no not that, but proper healthy diet. लेकिन तो मैं शाम को कोई junk नहीं खा रही थी, but I don't know why. I had a छोटा सा piece of kachori and a cookie. I had the cookie 2 days that was full of nuts. Although that is healthy as well and I used to work out just after eating that, but still I cheated. So the next question is, never have I ever laughed at things I don't understand. Many times, quite often I would say, because sometimes it's like, you know, the person standing in front of you, wo
एवरीवन अंडरस्टैंड्स द जोक सो दे लव एंड यू आर लाइक ओ माय गॉड यू फील एम्बैरेस्ड कि कहीं इनको लगे कि मुझे ही समझ नहीं आया सो टू फिट इन टू दैट सिचुएशन यू जस्ट लव सो आई हैव डन दैट मेनी टाइम्स नेवर हैव आई एवर थ्रोन माय नोटबुक्स इन गार्बेज आफ्टर क्लास आई हैड माय नोटबुक्स टू सिंस सो मेनी ईयर्स ऑल्दो मम्मी कबाड़े वाले को बेच देती है अगर वो भी गार्बेज में आता है सो मे बी हाँ मैंने नहीं थ्रो किया बट पर्सनली मेरे हाथों से नहीं फेंका गया नेवर नेवर हैव आई एवर वॉन्टेड टू डाई ऑफ एम्बैरेसमेंट येस राइट नाउ व्हेन आई टॉक्ड अबाउट पार्ट इन पब्लिक अभी रिसेंट वाला है आई एम द काइंड ऑफ पर्सन ना जो खुद को एम्बैरेस करने का कोई मौका छोड़ती नहीं Never have I ever killed someone. No, मैंने किसी इंसान का मर्डर नहीं किया बट कीड़े मकौड़ों का किया है आउट ऑफ फियर एंड आई एम सो सो सॉरी मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ जिन जिन इंसेक्ट्स को मैंने मारा है दैट्स इट गाइज दैट्स द एंड ऑफ द क्वेश्चंस लिटरली कुछ भी नहीं था इन क्वेश्चंस में बट स्टिल आई हैड फन और वीडियो के लिए कुछ बचा भी नहीं था सो जुगाड़ Now let's come to the mini haul which I'm very excited. तो हम पहले स्किन केयर हेयर केयर स्टफ से स्टार्ट करते हैं सो माई सिस्टर वॉन्टेड अ चारकोल पील ऑफ मास्क जो मेरी स्किन को बिल्कुल सूट नहीं करेगा मैंने यूज़ नहीं किया बट उसने यूज़ किया शी फाउंड डिफरेंस लाइक शी यूज इट वंस सो दिस इज अ हर्बल चारकोल पील ऑफ मास्क फ्रॉम सोल फ्लावर विद लेवेंडर एंटी एक्ने एंड डीप क्लेंजिंग इसका एम आर पी है 350 बट राइट नाउ ये अमेजोन पे 299 का एंड आई एम सो सॉरी आई डोंट नो एट वॉट प्राइस वी बॉट इट तो मैं उसे मैंशन अगर मुझे मिलेगा तो मैं वीडियो में मैंशन कर दूंगी आई प्रॉमिस देन कम्स माई फेवरेट विच आई एम सो ईगर एंड सो वेटिंग टू यूज़ दैट बट अभी तक इसे यूज़ नहीं किया है ये है मामा अर्थ का टी ट्री हेयर मास्क विथ टी ट्री आर्गन एंड लेमन ऑयल फॉर डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प एंड आई आई एम सो वल्नरेबल ड्यू टू दिस डैंड्रफ डूड लाइक आजकल तो बहुत कम हो गया अदरवाइज इट्स लाइक हेल इट्स सो डिस्टर्बिंग कि आपके इट कॉजेज हेयर फॉल इट इज़ सो 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 डिस्टर्बिंग सो आई एम रियली एक्साइटेड टू ट्राई दिस मास्क देन देयर इज अ प्रोडक्ट दिस इज अ बुक दिस इज एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एंड दिस इज एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर एंड दिस इज़ अबाउट 700 हाँ ये मिली भी हमें 700 की थी जितना मुझे याद है सो माई सिस्टर हैव रेड इट टिल हियर पेज नंबर 20 एंड शी इज़ फाउंड सो मच डिफरेंस शी फील सो प्रोडक्टिव एंड सो पॉजिटिव आफ्टर रीडिंग दिस देन माई फेवरेट प्रोडक्ट दीज बोट रॉकर्स 400 एंड द कलर इज सो कूल लुक एट दिस कलर गाइज लाइक आई फाउंड दिस कलर सो कैची एंड सो कूल सो मैंने कहा ये तो लेना ही है ये है बोट रॉकर्स 400 एंड दीज आर ऑसम लुक एट दिस इसके अंदर क्या क्या आइटम्स थे तो इसके अंदर ये था इसमें है अ गाइड की यूज़र गाइड एंड अ वारंटी ऑफ 1 ईयर एंड देन इट कम्स विद अ चार्जर एंड आई मीन चार्जिंग केबल एंड अ वायर दिस इज़ द बेस्ट फीचर लाइक मैंने ये इसीलिए मंगाया यार इंटर कन्वर्टेबल इसे मैं वायरलेस भी कर सकती हूँ एंड वायर्ड भी कर सकती हूँ सो दिस इज़ सो कूल बट अ थिंग आई डोंट लाइक अबाउट इट और आई हैव नॉट बीन एबल टू एडजस्ट दैट टिल येट ये बहुत टाइट होते हैं आपके लाइक इट्स अ गुड थिंग व्हाइल यू वर्कआउट तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद होंगे स्पेशली व्हाइल जॉगिंग वॉकिंग यू नो बहुत फ़ायदेमंद होंगे अभी आई एम नॉट एबल टू लाइक गेट एडजस्टेड टू देम अदरवाइज एवरीथिंग इज़ गुड ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाते हैं एंड बैटरी तो माई गॉड आई चार्ज देम वंस इन 2 days गाइज सो विद दिस द वीडियो हियर एंड्स गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो भेजो गाइज टेल मी वॉट शुड आई डू जब रीच ही नहीं हो रही आप लोग शेयर ही नहीं करोगे तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें राइट सो प्लीज़ शेयर टू एवरीबडी इंडिविजुअली स्टे एट होम गाइज अगर कोई अर्जेंट काम नहीं है तो बाहर ना घूमें और अगर आप बाहर जा रहे हो फॉर एनी वर्क फॉर इवन फॉर ट्रेवलिंग एंड ऑल देन डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो द रूल्स वेयर मास्क कीप डिस्टेंस दैट्स इट एंड या कीप सैनिटाइजिंग योर सेल्फ दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन इफ यू आर एट होम